स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में, संगम 2017 की रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ए न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस समय हम लोग जल पुलिस की नाव में हैं और ये नाव चल रही है पूरी मुस्तैदी के साथ। जल पुलिस यहाँ पे तैनात है किसी भी घटना से निपटने के लिए। एक लाइफ जैकेट, यहाँ पे दो लाइफ जैकेट होती हैं, एक मैंने पहन रखी है अपने बचाव के लिए क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। और हमारे कैमरा पर्सन अरविंद हैं, उनको भी तैरना नहीं आता लेकिन लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सर हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से लाइफ जैकेट का उपयोग आपने बता दिया कि होता है, और ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए लाइफ जैकेट पहनने का समय न मिला तो कैसे आप पूरी चुनौती स्वीकार करते हैं? काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, सारी चीजें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जल पुलिस का काम केवल जल तक सीमित नहीं रहता है, ऐसे बड़े बचाव जो काम होते हैं। और अभी जो घटना हुई बिहार में उसमें भी देखा गया कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू किया गया, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि प्रशासन तो सारी तैयारियां कर लेता है लेकिन लोगों को भी काफ़ी सुरक्षित रहने के लिए कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। सर, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स अगर देना चाहें तो भी जाता है तो आप उसको मना करें भाई, आप भी आपको भी जिम्मेदारी है, आपको मना करना चाहिए दूसरों को भाई गहरे पानी में मत जाओ। बाकी जो है देखा ही जाता है यहाँ पर, जहाँ भी स्नान घाट करने का मैं मीटिंग है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हमारे हमारे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा अरविंद से, अरविंद जी थोड़ा नज़ारा दिखा दीजिए एक सेकंड हमारे जो दर्शक हैं उनको कि इस तरीके से यहाँ पे पूरे नाव का एक विशाल पैमाने का नाव यहाँ रहती है। और सबसे बड़ी बात संगम की है कि ये टेंटों का, तंबुओं का शहर हो जाता है अगले एक महीने के लिए। और दूर आप देख पा रहे हैं वहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं संगम में, और गंगा जमुना सरस्वती का विहंगम दृश्य यहाँ पे लोगों को दिखता है, संस्कृति का और आस्था का। यहाँ पे हिंदू ही नहीं मुस्लिम लोग जो हमारे भाई हैं वो भी आते हैं बड़े पैमाने पे। तो कह सकते हैं कि भारत में जो विविधता है उसके रंग हैं वो यही माघ मेले में दिखते हैं। तो ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अरविंद मौर्य के साथ ए न्यूज़ के लिए मैं अनुज।